विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसाद पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमनान ज्वेल्स, शाली बंडा, हैदराबाद। जिले संगारेड्डी के हल्के असम्बली जहीराबाद में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर एमडी निजामुद्दीन वार्ड प्रेसिडेंट गुलशन नगर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के लीडर अमित शाह ने एक पब्लिक मीटिंग से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर तेलंगाना स्टेट में इख्तदार पर आती है तो मुस्लिम रिजर्वेशन को हटा देने की बात कही। इसको लेकर एमडी निजामुद्दीन जहीराबाद ने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन को हटाने का अमित शाह का ख्वाब ही रहेगा। मुसलमान हमेशा से अल्लाह के ताबे रहे हैं, तो क्या तेरी मिसाल है, तेरे हर इरादे को तेलंगाना की आवाम तुझको बता देगी वक्त आने पर। आइए देखते हैं, जहीराबाद से ब्यूरो चीफ यूसुफ शरीफ के साथ क्राइम रिपोर्टर फयाज अहमद की रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं एमडी निजामुद्दीन गुलशन नगर, कांग्रेस लीडर जहीराबाद। आप तमाम लोगों को दिल से ईद मुबारक। आज मीडिया के सामने आने की वजह यह है कि चेवड़ला में बीजेपी का लीडर हमेशा आकर मुसलमानों को तकलीफ देकर चले गया। ये भाड़कों भाषण से कुछ होने वाला नहीं है। मुसलमानों का हक छीनने के लिए, मुसलमानों का रिजर्वेशन हटा दे तुम बोलकर जो है अमित शाह भड़काऊ भाषण दिया, ये उसकी नाकामी होगी इंशाअल्लाह ताला अजीज। अमित शाह, तेरी क्या औकात है, तेरी क्या मिसाल है तू हमारा हक छीन सके। अरे हमारा हक छीनने की तो बात छोड़, बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान लिखे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे जो लिखे हैं उस पर चलेंगे और हम चलते आए हैं। हम हर हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे लिखेंगे। याद रख अमित शाह, जो आज तू मुसलमानों का रिजर्वेशन छीनने के लिए आज तू भड़को भाषण देकर गया और मुसलमानों के दिल को चोट चोट पहुँचा कर तू चले गया। याद रख, तेरी क्या औकात है हमको मिटाने की, तेरी क्या औकात है हमारा हक छीनने के। तेरे जैसे कई सिकंदर आए, कई बादशाहगिरी आए, सब मिट्टी में मिल गए। और याद रख, आने वाले दिनों में तेलंगाना की आवाम बता देगी तो आने जो किसका रिजर्वेशन तू छीनेगा। आने वाली जो भी आएगा, जब मुसलमान बता देंगे कि मुसलमानों का कितना पावर है। याद रख, मुसलमानों की खामोशी को तो कमजोरी मत समझ। मुसलमानों के हक, हमारा हक जो है ना, हम कुछ लेंगे, हमारा हक किसी को हम देंगे नहीं। तुम जैसे लोग आकर हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा ख़त्म किए हैं। ये बीजेपी पार्टी जब से आई है हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ दंगे फसाद। जिस दिन से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उस दिन से जो है ना मर्डर, रेप, किर हर जो है ना आप तेलंगाना के अंदर हमेशा तू किस मुंह लेकर आया है जो है ना। हम हिंदुस्तान के अंदर जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई, मर्डर केस हर चीज में जो है ना शामिल है। और क्या है, हमेशा तेरी क्या औकात है, हमसे रिजर्वेशन तू छीनने की बात करता है। कहीं आए कहीं चले गए, तू किस खेत की